बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर, न्याय थाने बिलासपुर अब चाकूबाजों की गिरफ्त में आ गया है। शहर में तेजी से चाकूबाजी की घटना बढ़ रही है। देखिए हमारी ये पूरी खास रिपोर्ट। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर है और न्यायधानी भी, लेकिन अब बिलासपुर भी चाकूबाजों की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस और प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं। पिछले सप्ताह शहर में चाकूबाजी की करीब 11 से 12 घटना हुई थी, जिसमें 3 मामले में हत्या हो गई। पुलिस के द्वारा सभी जो क्षेत्र है उसमें अपराध के जो क्षेत्र है उसको चिन्हित किया गया, लगातार कॉम्बिंग गश्त और पेट्रोलिंग की जा रही है, अपराध नियंत्रण पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। बिलासपुर में लगातार बढ़ रही है चाकूबाजी की वारदातें। बीते 7 महीने में सबसे ज्यादा बढ़े हैं मामले। जनवरी से जुलाई तक करीब 125 मामले दर्ज हुए हैं। औसतन 17 से 20 मामले हर महीने दर्ज हो रहे हैं। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की भी भूमिका बताई जा रही है। कई स्टाइलिश चाकू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इन चाकुओं को आसानी से ऑर्डर किया जा रहा है। वारदातों में इन्हीं चाकुओं का इस्तेमाल हो रहा है। बढ़ते अपराध का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर साधा निशाना। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। गढ़बो नया छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल जी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ को नया गढ़ रहे हैं। कुछ गढ़ पाए कि न गढ़ पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया। जब घर से निकलते हैं तो घर वाले चिंता करते हैं कि शाम को लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। ये चाकूबाजी की जो घटना हो रही है, मैं समझता हूं कि किसके संरक्षण में है, किसके पनाह में है। आखिर अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है, पुलिस का मनोबल इतना क्यों गिरा हुआ है, ये समझ से परे है। लेकिन जो सरकार चल रही है, इसके आने के बाद में ये नई संस्कृति का जन्म हुआ है जो चाकूपुर हो रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किस महीने में कितनी चाकूबाजी के मामले सामने आए हैं। दरअसल जनवरी में 18 चाकूबाजी, 12 नशीली दवाओं और 2 शराब के मामले दर्ज हुए हैं। फरवरी में 11 चाकूबाजी, 6 नशीली दवाओं और 3 शराब के मामले दर्ज हुए हैं। मार्च में 12 चाकूबाजी, 7 नशीली दवाओं और 3 शराब के मामले दर्ज हुए हैं। अप्रैल में 27 चाकूबाजी, 18 नशीली दवाओं और 2 शराब के मामले दर्ज हुए हैं। मई में 19 चाकूबाजी, 15 नशीली दवाओं और 3 शराब के मामले दर्ज हुए हैं। तो वहीं जून में 13 चाकूबाजी, 10 नशीली दवाओं और 2 शराब के मामले दर्ज हुए हैं। जुलाई में 9 चाकूबाजी, 7 नशीली दवाओं, 1 शराब का मामला दर्ज हुआ है। कुल चाकूबाजी के 110 मामले, नशीली दवाओं के 75 मामले और शराब के 17 मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हाल के 80% वारदातों को नशा लेने के बाद अंजाम दिया गया है। ऐसे में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसे मामलों पर कब तक विराम लग पाएगा। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।